आज भी बोला था, उठा लीजिए 15 अगस्त से पहले, रातों रात बन गए शेयर 10 गुना, अब तो और भागेगा तेज। भारत डायनेमिक, भारत फोर्ज और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के बाद HL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और ये तेजस फाइटर विमान, लड़ाकू विमान बनाने वाला स्टॉक एक शेयर के बदले 10 शेयर हो गए। 27 जून इसका डेट भी फाइनल आ गया दोस्तों। तो ये अब जान लीजिए कि ये स्टॉक 5000 के पार जाने के लिए तैयार है। लेकिन उसके पहले आप सभी को एक बात मैं ज़रूर बता दूं कि स्प्लिट जो है, एक शेयर अगर आपके पास है तो हो जाएगा 10 शेयर और 1000 शेयर है तो हो जाएगा 10000 शेयर। लेकिन प्राइस जो है, अगर 5000 का प्राइस अगर आता है तो वो भाव जो है हो जाएगा 500। इसलिए होता है स्प्लिट, इसलिए होता है कि ये स्टॉक महंगा हो जाने से कुछ लोग ऐसे रिटेलर और शेयर धारक हैं जो अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और ऐसी जगह करना चाहते हैं कि उनको बेनिफिट हो लंबे समय के लिए, और जिस कंपनी में कर रहे हैं उस कंपनी का भी काम रुके नहीं और तेज़ी से बढ़े। तो HL जो हिंदुस्तान की शान है और लड़ाकू विमान बनाने के लिए उसको अब निर्यात करने में बहुत बड़ा योगदान स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टर दे रहे हैं, और ये इसका फेस वैल्यू 10 था, अब इसका फेस वैल्यू 1 रुपया हो जाएगा, जिसके चलते आज सबसे पहले, और आपको मैं बता दूं 840 रुपये का जब ये स्टॉक था 2 साल पहले, तब से मैं आपको बताते आ रहा हूं। और आज आपको ये न्यूज आने से पहले ही हमने आपको सुबह ही बताया था दोस्तों, इंट्राडे टेक मुंबई MBA BK सिंह की हर बात और हर स्ट्रेटेजी और हर न्यूज आपको सबसे पहले भी मिलता है और आपको सबसे ज़्यादा सुरक्षित रखता है, आपके नुकसान को बचाता है। ये हम आज से नहीं कर रहे हैं, ये जब से चैनल बनाए तब से, चैनल बनाने का मेरा मकसद ही दोस्तों आप किसी भी कीमत में 1% की नुकसान करने की और कराने वाले की कभी भी खैर नहीं है। लेकिन रह गई बात स्टॉक मार्केट में पैसा कमाने के लिए, तो पैसा कमाने के लिए कभी कभी लोग गंवा देते हैं, और इसके पीछे कारण क्या है दोस्तों कि आप आधे अधूरे ज्ञान लेकर कभी मत स्टॉक मार्केट में पैसा लगाइए। लेकिन कुछ ऐसे चैनल हैं जो आपको 100% दावा करते हैं, जैसे कि इंट्राडे टेक मुंबई। हमारी सोच और हमारा ध्येय एक ही है, स्टॉक मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएं और स्टॉक मार्केट को समझें और फिर अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएं और देश की उन कंपनियों को बढ़ाएं जो देश के साथ मिलकर आपके पैसों का सही सदुपयोग करता है दोस्तों। उसी में से एक स्टॉक है HL, जो भारतीय डिफेंस सेक्टर का शान है, और इस तरह की बहुत सारे डिफेंस एरोस्पेस करके टाइटल तो लगा देते हैं दोस्त, लेकिन उनका काम कभी भी विश्वसनीय नहीं है। और इसीलिए मैं बोलता हूँ नवरत्ना, महानवरत्ना और मिनी नवरत्ना आने वाले 2025 से 30 के बीच में आपको देखने को मिलेगा कि आपके पैसे जहाँ लगाए थे वो 10 गुना हो गया दोस्तों। जी हाँ, और यही है रोज़ बोलता था, इसीलिए कि अभी भी मिट्टी के भाव है, कचड़े के भाव है, आज भी फिर बोल रहा हूँ ये अभी भी मिट्टी के भाव है। जब ये 500 आ जाएगा, 500 से नीचे भी आएगा, इस शेयर का दाम 350 रुपये के आसपास आने वाला है, उस समय फिर एक बार लगाइए और फिर उसी तरह जाएगा जहाँ पे ये अभी आज के डेट में है। तो आप जान लीजिए कि नए शेयरधारकों के लिए और रिटेलर के लिए एक अच्छा मौका है पैसा बनाने का स्टॉक मार्केट में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। तो 15 अगस्त से उठा लीजिए पहले माल, और स्प्लिट और हो जाए
तो और थोड़ा सा आप इंतज़ार कर लीजिए। लेकिन अगर स्टॉक मार्केट में इसमें इन्वेस्ट किए हुए दोस्तों, अगर ये 4000 के पार जाता है तो वहाँ एक बार प्रॉफिट भी बुक, पूरे पोर्टफोलियो खाली नहीं करना है। प्रॉफिट बुकिंग का मतलब होता है कि 100 रुपया का ख़रीदें अगर हैं और वो माल हो गया 240 रुपया, तो 140 रुपया जो प्रॉफिट है, जिस हिसाब से आपका स्टॉक आता है उतना ही बेचिए, प्रॉफिट बुक कीजिए। जब स्प्लिट होता है, जब आपको 100 शेयर के बदले 1000 शेयर मिलता है, उस समय प्राइस भी कम हो जाएगा। उस हिसाब से 10 भागों में, स्प्लिट का मतलब 10 भागों में ये शेयर बटने वाला है। अगर 100 रुपया प्राइस है मान लीजिए किसी भी स्टॉक का, तो अगर वो 1:10 का रेशियो से स्प्लिट मतलब कि तोड़ना, बंटवारा होता है, तो उस शेयर का दाम हो जाएगा 10 रुपया दोस्तों। और 10 रुपया हो जाएगा तो और ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट आएगा और भारत के इस तरक्की में आपकी भी हिस्सेदारी होगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।